कक्षा मैं मुन्नी कुमारी जीके जैन स्कूल से आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा तीसरी से सुनहरी किरण कविता, जो बहुत ही सुंदर कविता है और नए दिन के साथ नई कविता एक लेते हैं। बच्चों, सवेरे का समय बहुत ही अच्छा समय रहता है, बहुत ही सुंदर और सुनहरा समय रहता है, जिसमें धूप एकदम मीठी मीठी रहती है, जिसमें हमें चलने में सैर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि डॉक्टर्स ने भी कहा है कि सवेरे का समय बहुत ही उत्तम समय रहता है व्यायाम करने के लिए या सैर सपाटा करने के लिए, क्योंकि सुबह के समय में हवा ताजी रहती है, किसी भी गाड़ी घोड़े की आवाज नहीं रहती, प्लस उसमें प्रदूषण नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है कि सुबह के समय में हमें व्यायाम करना चाहिए या फिर सैर पर जाना चाहिए, ताकि ताजी हवा हमारे सांसों द्वारा फेफड़ों तक पहुंचे। तो सुबह के बहुत सारे महत्व है। वैसे ही बच्चों के लिए भी कहा गया है कि सवेरे के समय पर यदि कुछ पाठ पढ़ते हैं या फिर विद्या अध्ययन करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे मस्तिष्क में रजिस्टर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सवेरे बच्चों को जल्दी उठना चाहिए और उन्हें पहले अपना होमवर्क या फिर जो भी याद करने का होमवर्क रहता है, पाठ रहता है, उसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं, सुनहरी किरण, जो बहुत ही सुंदर कविता है, कक्षा थर्ड से लिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बच्चों, थर्ड स्टैंडर्ड की सुनहरी किरण, सुनहरी मतलब गोल्डन और किरण मतलब रे, गोल्डन रेज। जब बच्चों सवेरे का समय बहुत ही अच्छा समय रहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उस टाइम किरण, सूरज की किरणें बहुत ही सुनहरे रंग होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शीतलदायक रहती है, जो हमारे आंखों को बहुत ही मदद प्रदान करती है। तो चलिए आज कविता पढ़ते हैं। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है, आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। घर में बाग में खेत खलिहान में सबको किरण जगाती है। तो बच्चों, किरण का पहला मुख्य काम ही रहता है सभी को जगाना, इस दुनिया को प्रकाशमय करना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो सुबह की किरणें हमें ये पॉजिटिव थिंकिंग और रेज भी देते हैं कि हमें अब आलस छोड़ना है और अपने अपने काम पर लगना है। जैसे कि सूर्य की किरण कोई भेदभाव नहीं करती कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबके पास एकदम आसानी से और बराबर किरणें पहुंचाती है। उसी तरह हमें भी सूर्य की किरणों की तरह कोई भेदभाव किए बिना सबकी जिंदगी में खुशियों के माध्यम से रोशनी करना चाहिए और आलस छोड़ना चाहिए। तो एक बार और इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। एक किरण खिड़की से होकर, यानी सुबह के समय में किरण कहाँ से होती है, आती है खिड़की से आती है, और चुपके चुपके आती है यानी से धीरे धीरे आती है। यदि आप देखेंगे तो सवेरे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, फिर जैसे जैसे किरणें बढ़ती हैं वैसे वैसे धीरे धीरे सवेरा होता है और धीरे धीरे पूरा संसार प्रकाशमय होता है। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। तो किरण हमें क्या कहती है कि उठो भैया, अब सवेरा हो गया है, हमें अब अपने काम पर चलना है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। किरण सुबह की किरणें बहुत ही सुंदर और प्यारी प्यारी होती हैं और जो कि सुंदर सुहानी धूप को लेकर आती हैं। आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। तो किरण हमें क्या संदेश देती है, क्या मैसेज देती है कि अब सुबह हो गया है बच्चों, अपना अपना आलस छोड़ो और अपने अपने काम पर जाओ। घर में बाग में खेत खलिहान में सबको किरण जगाती है। किरण सबके पास प्रकाश पहुंचाती है, जैसे कि घर हो गया, बाग हो गया, खेत हो गया, खलिहान हो गया, सबको किरण जगाती है और नए कार्य के ओर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करती है। तो चलिए इस पोयम को एक कविता की तरह गाकर सुनते हैं। तो देखिए बच्चों, एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है, आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है। घर में बाग में खेत खलिहान में सबको किरण जगाती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। तो ये था हमारा कविता ये सुनहरी किरण। होप आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और इसे याद कीजिए, घर में बहुत ही सुंदर कविता है। धन्यवाद बच्चों।